إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار پچھلے درس میں شرعی احکام کی دو قسمیں ہم نے دیکھی تھیں. وہ دو قسمیں کیا ہیں؟ شرعی احکام کی دو قسمیں ہیں. کون کون سے؟ ہاں، تکلیفی اور وضعی. تکلیفی احکام یا الاحکام التکلیفیہ، اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ پانچ. کون کون سی ہیں؟ واجب، واجب، مستحب، مکروہ اور کیسی ترتیب ہوگی اس کی؟ آسان کیا ہے اس میں؟ واجب، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام یا محرم. یعنی پازیٹیو سے ہم نگیٹیو کی طرف جا رہے ہیں، بیچ میں کیا ہے؟ نیوٹرل. مباح کیا ہے؟ نیوٹرل. مباح ایسی چیز ہے جس میں نہ نیکی ہے اور نہ گناہ ہے. کیا مباح نیکی بن سکتا ہے یا مباح نیکی ہے؟ نیکی نہیں مباح. مباح نیکی ہے یا نیکی بن سکتا ہے؟ تو مباح نیکی نہیں ہے. کیا مباح نیکی ہے؟ نہیں، مباح نیکی نہیں ہے. مباح میں اور مستحب میں کیا فرق ہے؟ ہاں، مستحب کام کرنے پر نیکی ملے گی اور مباح پہ نیکی نہیں ہے. تو مباح فی نفسی ہی نیکی نہیں ہے، لیکن اگر وہ حرام سے بچنے کے لیے ہو یا اس میں خود خیر کی نیت ہو، تب جا کر وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نیکی بن جاتا ہے. مثلا ایک آدمی اس لیے کمائی کی محنت کرتا ہے کہ سوال کی نوبت نہ آئے، یا چوری، جھوٹ، دھوکہ یا اس طرح کی خیانت یا غصب وغیرہ کی نوبت اس کو نہ آئے، اور چونکہ گھر والوں کے حقوق اس پر ہیں اس لیے وہ کماتا ہے. تو فی نفسی ہی کمانا نیکی ہے. پیسہ کمانے پہ روز ایک ڈالر پہ کتنا ملتا ہے؟ ثواب ہے کچھ. فی نفسی ہی وہ نیکی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی نیت خیر کی ہو، مقصود اس کا خیر ہو یا کسی بری چیز سے بچنے کے لیے وہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ عمل نیکی ہے. جیسے پچھلے درس میں ہم نے مثال اس کی دیکھی تھی کہ کوئی آدمی انگور خریدے
या छुरी ख़रीदे तो ये फ़ी नफ्स ही नेकी है या गुनाह है? गुनाह है, मुबाह है। टेक्निकली उसको हम मुबाह बोलेंगे, ना नेकी है ना गुनाह। छुरी ख़रीदना ना नेकी है ना गुनाह है। ना अंगूर का ऐसा मामला है, अंगूर का भी यही मामला है कि ना वो नेकी है और ना। लेकिन अंगूर अगर मेहमान के लिए ख़रीद रहा है खिलाने के लिए और मेहमान नवाजी के लिए तो क्या हो गया अब? क्योंकि मेहमान का इकराम करना नेकी है। और अगर शराब बना के पीने के लिए कर रहा है तो वो अमल जो फ़ी नफ़्सी ही मुबाह था, फ़ी नफ़्सी का मतलब ख़ुद, वो अब क्या हो गया? या तो नेकी बन गया या फिर हराम। और छुरी अगर ले रहा है फल काट के खिलाने के लिए मेहमानों को तो अब वो क्या हो गया? मुस्तहब। लेकिन अगर वो किसी की गर्दन ही काटने के लिए ख़रीद रहा है तो ये क्या हो गया? ये हराम हो गया। किसी मुसलमान के कत्ल के लिए या किसी ऐसे आदमी के लिए जिसका कोई जुर्म नहीं है उसके कत्ल के लिए ख़रीद रहा है तो वो हराम है। तो बहरहाल ये चीज़ें हमने देखी थी। वज़ई अहकाम में क्या बातें थी? शर्त और माने। शर्त किसको कहते हैं? तो वाजिब किसको कहते हैं? शर्त और वाजिब में क्या फ़र्क है आप बताइए? शर्त लाजिम होती है नहीं होती? शर्त तोड़े तो भी चलता है नहीं? और वाजिब लाजिम है? वाजिब में और शर्त में क्या फ़र्क है? और शर्त अमल नहीं है। वाजिब, देखिए एक जवाब है, वाजिब अमल है और शर्त अमल नहीं है। क्या ये सही है? नहीं है, नहीं है। जो लोग नहीं बोलते हैं वो उसकी तर्दीद कैसे करेंगे? क्यों क्यों गलत है ये? शर्त अमल के बाहर होता है और अमल उस पर टिका होता है। तो वुजू क्या है? तो अब वो अमल नहीं है। वुजू अमल है या नहीं है? हाँ नहीं है ना, वुजू कोई अमल है? अमल है ही नहीं, वो तो अपने आप हो जाता ना वुजू। नींद में से बेदार हो गए तो वुजू हो गया, ऐसा होता? क्या वुजू बंदे का कस्ब है? कस्ब किसको कहते हैं? कमाई, यानी खुद करता है। देखिए खर्राटे कस्ब है? अब बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं। एक आदमी नींद में खर्राटे लेता है या एक आदमी ऊँघता है तो ये कस्ब है या नहीं है? यानी आदमी बोलता है चलो ऊँघेंगे तो ऊँघता है, चलो खर्राटे लेंगे लेता है, वो क्या होता है? अपने आप आ जाता है। वो उसका उसकी कमाई है नहीं, उसका कस्ब नहीं है। लेकिन कलाम करना, बातचीत करना क्या है? या बैठे बैठे अचानक शुरू हो जाता है, ऐसा होता? आप नहीं चाह रहे थे, आप सोच रहे थे कुछ और मुंह यहाँ बात कर रहा और आपको मालूम भी नहीं, ऐसा होता? बल्कि आपका कस्ब है वो। तो बंदे के अमल दो किस्म के होते हैं, एक वो जो कस्बी होता है और एक अपने आप उससे होता है, जैसे दिल का धड़कना। लेकिन ये उसका कस्ब नहीं है, अपने आप हो गया। नींद आना, ये हालतें उस पर तारी होती हैं, कस्बी नहीं है। गलती कर जाना बोलने में, भूलना, चलो भूलेंगे, ऐसा होता? लेकिन बोलते हैं मैं भूल गया, लेकिन क्या वाकई उसने भुलाया अपने आप को? नहीं, वो अपने आप होता है। तो जो कस्ब नहीं है उस पर पकड़ भी, इसीलिए आदमी भूल के खा ले अगर तो जहन्नम में जाएगा। रोज़े की हालत में अगर भूल के खा ले तो क्या गुनाह है? नहीं है। नमाज में रकात कितनी है उसको याद नहीं आ रहा, गुनाह है? नहीं है। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जो आदमी से हो जाती हैं लेकिन उस पर गुनाह नहीं है। तो वो उसका कस्ब अगर नहीं है तो गुनाह भी नहीं होता है, ये शरीयत का कायदा है। हम जब अल-क़वाइदुल फ़िक़हिया देखेंगे तो ऐसी कई चीज़ें देखेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ ये बात है कि शर्त और वाजिब में क्या फ़र्क है।
तो ये बात सही है कि शर्त अमल नहीं है और वाजिब अमल है, क्या ये बात सही है? नहीं है। क्या हर शर्त अमल है? हाँ, यानी हर शर्त अमल नहीं होता है या हर शर्त अमल होता है? कुछ लोग बेचारे पहली बार आए होंगे, बोलेंगे क्या शर्त लगा रहे हैं, हमको सिखाए थे शर्त गलत रहता और ये शर्त लगा रहे हैं आप। शर्त का मतलब होता है कंडीशन, वो शर्त नहीं जो जुए में लगती है। शर्त यानी कंडीशन, जैसे अल्लाह ने शर्त जायज़ है कि नहीं है? जायज़ है। शर्त जायज़ है या नहीं? दलील? अरे भाई, किसी चीज़ के लिए शर्त रखना जायज़ है कि नहीं? दलील? शर्त जायज़ है। हाँ, नहीं मालूम। ये सबसे अच्छा जवाब है। अल्लाह ने फरमाया इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ऐसा करेगा। ये क्या हुआ? शर्त हुई। अल्लाह ने मदद के लिए कंडीशन रखी है या नहीं? क्या कंडीशन है कि नहीं है? कंडीशन है ना, तो किसी चीज़ के लिए कंडीशन होना ही शर्त है। बहरहाल, तो क्या हर शर्त अमल होता है या नहीं? अब हम इस तरफ आ रहे हैं, जो हम शर्त और माने जो हम जिस पे गुफ्तगू कर रहे थे, तो क्या हर शर्त अमल होता है या नहीं? नहीं होता। मिसाल, अगर शर्त अमल होता भी है और नहीं भी होता है, क्या है? सही है, सही है, अमल होता है। मिसाल, नमाज के लिए वज़ू, वज़ू शर्त है या वज़ू शर्त है? पानी सामने रख के देखने का उसको हो जाता ना वज़ू। वज़ू किसको बोलते हैं? उस पानी को जिससे आदमी क्या करता है, वज़ू करता है। तो वज़ू क्या है? अमल है। और वो क्या, किसके लिए शर्त है? यानी अमल भी शर्त हो सकता है। अब एक ऐसी मिसाल दीजिए जो अमल नहीं है। मगरिब के नमाज के लिए सूरज का डूबना क्या है? शर्त है। सूरज डूबेगा तो मगरिब की नमाज क्या हो जाती है? फ़र्ज़ हो जाती है। नफल, फ़र्ज़ और वाजिब एक ही है। तो सूरज डूबने पर मगरिब की नमाज जायज़ होती है या फ़र्ज़? क्या होती है? जायज़ होती है, यानी जायज़ होती है, नहीं भी पड़े तो चलता। हाँ, दोनों होती है। ये बहुत अच्छा है, झगड़ा ही ख़त्म। असल में फी नफ्स ही मगरिब की नमाज फ़र्ज़ है या जायज़ है? फ़र्ज़ है। और अल्लाह ने उस फ़र्ज़ को किसके साथ जोड़ा है? तो जब सूरज डूबेगा तो क्या होगी? हाँ, ये इस एतबार से कह सकते हैं कि चूंकि नमाज उसके वक्त से पहले नहीं पढ़ी जा सकती है, तो वो क्या था? वक्त से पहले मगरिब पढ़ना जायज़ था कि मना था? मना था। तो अब वो क्या हो गया? जायज़ हो गया। इस एतबार से बोल सकते हैं कि अब नमाज़ पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ी नफ्सी ही उसका हुक्म क्या हुआ? अब फ़र्ज़ है, क्योंकि असलन वो क्या है? फ़र्ज़ है। तो अब फ़र्ज़ हो जाएगी वो नमाज़, क्या हो गई? फ़र्ज़ हो गई। तो ये मालूम हुआ कि शर्त कभी अमल भी होती है और कभी अमल नहीं भी होती है। तो वो ख़ारजी चीज़ है जो इंसान के बाहर होती है और इसमें इंसान का कोई दखल नहीं होता है, जैसे वक्त का होना, जैसे वक्त का होना। शर्त के अलावा हमने क्या देखा? एक दूसरी चीज़ थी, वो क्या है? माने। माने के क्या माने हैं? आड़ रुकावट, यानी
उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, यानी किसी को बताना है भाई माने क्या है और शर्त क्या है, तो आप माने को कैसे बताओगे? ऐसी चीज जो मौजूद हो तो अमल सही नहीं होता है। यानी मिसाल हैज़ की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकते हैं कौन? आदमी, औरतें। यानी औरत अगर हैज़ की हालत में हो तो नमाज नहीं पढ़ सकती है, और आदमी के लिए कैसा है? जुनूबी, जुनूबी उसको कहते हैं। जुनूबी किसको कहते हैं? जो जनाबत की हालत में हो उसको जुनूबी कहते हैं। तो जनाबत की हालत किसको कहते हैं? जो जुनूबी हो वो आदमी जिसको या तो एहतलाम हुआ हो या फिर उसने सोहबत की हो, ये दो हालतें हैं जिसको क्या कहते हैं? जनाबत। बहुत ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि गलती से पेशाब के कतरे निकल गए तो गुस्ल करना पड़ेगा या फिर क्या करना पड़ेगा, समझ में आ रहा? तो गुस्ल इन दो हालतों पर ही है। नींद में आदमी कोई ऐसा ख्वाब दिखाई दिया जिससे मनी खारिज हो गई, या बीवी से उसने मुजामियत की, तो उस पर गुस्ल क्या हो जाता है? फ़र्ज़ या वाजिब? फ़र्ज़ वाजिब एक ही बात है। हदीस में इसके लिए सफाई से मैंने बताया था पिछले दर्स में। तो अब उसके लिए क्या हो गया? एक ऐसी हालत में है कि अब उस पर गुस्ल वाजिब है, क्या वो नमाज़ पढ़ सकता है गुस्ल के बग़ैर? पानी मौजूद है उसके पास, बीमार नहीं है वो, कोई मसला नहीं है, वो गुस्ल कर सकता है। तो क्या वो गुस्ल से पहले नमाज पढ़ सकता है? क्यों नहीं पढ़ सकता है? हाँ, उसकी नमाज पढ़ने में क्या रुकावट है? जनाबत रुकावट है। जनाबत जब तक रहेगी वो नमाज सही अगर पढ़ लिया उसने, अल्लाह तो कबूल करने वाला है, और पढ़ दिया उसने, तो क्या उसकी नमाज हुई या नहीं हुई? पढ़ाना उसने, उसने अगरचा उसकी नमाज वाकई हुई लेकिन उस पर से अदा नहीं। प्रैक्टिकली कोई आदमी देखेगा मस्जिद में आया और उसने पढ़ा मसलन जहालत की वजह से, अब उस आदमी ने पढ़ा, क्या नमाज उसकी हुई? नमाज हुई या नहीं हुई? नमाज हुई, अदा नहीं हुई। यानी उसने पढ़ा नमाज, अमलन तो उसने तकबीर से लेके सलाम तक पूरी नमाज पढ़ डाली, उसकी नस्बत से हो गई नमाज, सलाम फेरा उसने, लेकिन क्या उस पर उसकी नमाज हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई उसकी नमाज। कैसे नहीं हुई का मतलब आपके नज़दीक क्या है? हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, लेकिन हुई ना उसकी, सलाम फेरा तो हुई कि नहीं हुई? प्रैक्टिकली हुई और थियोरेटिकली नहीं हुई। यानी क्या नहीं हुआ भाई? आप सब तो हो रहा, सलाम फेर रहा हो, जा वो, क्या मतलब क्या नहीं हुआ? अमल नहीं हुआ, अमल कबूल नहीं हुआ, तो शर्त उसने, यानी उसने अदा नहीं किया। उस तहारत जो है यानी गुस्ल का, हदस से पाक होना, हदस को रफ़ा करना, ये लाजिम है, ऐसी हालत में नहीं होना चाहिए, तहारत की हालत में नमाज़ पढ़ना चाहिए, तो उसने वो नहीं किया तो नमाज, तो क्या नहीं हुआ मतलब, क्या बोलेंगे आप उसको? माने के साथ अमल करने से क्या प्रॉब्लम है? फ़र्ज़ उस पर से साकित नहीं हुआ, यानी क्या करना पड़ेगा उसको? नमाज फिर से पढ़नी पड़ेगी उसको, समझ में आया? उसको नमाज फिर पढ़नी पड़ेगी, अदा नहीं हुई उसकी नमाज। अगर वो वैसी ही नमाज पढ़ता है तो फिर से उसको नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो उससे फरीज़ा साकित नहीं होता है।
उससे वो चीज़ अदा नहीं होती है जो उसके ऊपर बाकी था, वो हटा नहीं अभी तक, फिर उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर वैसे ही पढ़े तो फिर बाकी रहेगा, तो उसको गुस्ल करना पड़ेगा, उसके बाद उसको नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। तो नमाज़ उस पर क्या रहती है? बाकी रहती है। इसी तरह से तिजारत या मुआमिलात में अगर कोई आदमी जो मवाने हैं या जो शुरूत हैं उनको पूरा न करे तो वो मामला भी अदा होता है, सही होता है। तो ऐसे इसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, होने पर या नहीं होने पर। शर्त पूरी हो, माने सब हट जाएं और फिर अमल किया जाए तो अमल क्या होता है? सही। और शर्तें पूरी ना हो या माने मौजूद हो और फिर आदमी कोई अमल करे तो अमल क्या होता है? फासिद होता है। समझ में आया? वो अमल फासिद हो जाता है। तो दो चीज़ें हमने देखी थी, वो अहकाम दो किस्म के हैं, तकलीफ़ी और वज़ई। तकलीफ़ी अहकाम में पांच चीज़ें हैं, पांच किस्म के हैं, वाजिब, मुस्तहब, मुबाह, मकरूह और मुहर्रम या हराम। वज़ई अहकाम में शर्त और माने। शर्त पूरी नहीं हुई तो भी अमल पूरा सही नहीं होता है, फासिद हो जाता है, और अगर माने मौजूद हो तो अमल। अगर कई शुरूत हों, क्या किसी अमल के लिए कई शर्तें हो सकती हैं या एक ही शर्त होगी? मिसाल के तौर पर नमाज के लिए वक्त का होना भी क्या है और पाकी का होना भी, तो एक से ज़्यादा शर्तें हो सकती हैं। नियत करना, तो ये एक से ज़्यादा शर्तें किसी अमल की हो सकती हैं। अगर एक शर्त पूरी करे और दूसरी शर्त पूरी ना करे तो क्या अमल सही होगा? तो मतलब शुरूत के ताल्लुक से हम क्या कहेंगे? सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। सारी शर्तें पूरी करे लेकिन कोई माने मौजूद हो तो अमल सही होगा? नहीं। कई मवाने मौजूद हों, उनमें से एक आध माने रह जाए और बाकी सब हट जाएं तो अमल सही होगा? तो हम क्या कहेंगे कि सारी शर्तें पूरी होना चाहिए और सारे माने हटना चाहिए, तब जाकर कोई अमल किया जाए तो वो क्या होता है? सही होता है। समझ में आया? अगर एक भी शर्त पूरी ना हो, एक भी माने बाकी रहे, अमल सही नहीं होता है, फासिद हो जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम चार लफ्ज़ देखेंगे, पांच, आम, खास, मुतलक, मुकय्यद और अल इस्तिस्ना या इस्तिस्ना आप उसको कहो। अल यहाँ पे लगाने की जरूरत है, सब बगैर। ये क्या है? क़ुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल अबरार लफी नईम, नेक लोग नेमत में यानी जन्नत की नेमत में होंगे। जुमला, अब इसको हम पहले दलाल हम आगे देखेंगे, पहले इसको हमारी अपनी ज़बान में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कब इस्तेमाल होता है और इसकी क्या वजह है और क्यों हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हदीस में है, कुल्लु बनी आदम खत्ता, के आदम की औलाद सब के सब गलती करते हैं। या क़ुरान में अल्लाह ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर
जानदार को मौत का मज़ा चखना है। अल्लाह ने फरमाया इन्नमल मुमिनूना इख्वतुन, ईमान वाले आपस में भाई भाई हैं। अद्दीन उन्नसिया, इसको छोड़ दीजिए, इस मिसाल को नहीं लेंगे, कि जब कोई ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए या ऐसा जुमला हो जिसमें उस कैटेगरी के सब लोग शामिल हो जाएं, चाहे वो चीज़ हो या वो अफराद हो, जब उस कैटेगरी की, कैटेगरी इसलिए कह रहा हूँ मैं, उसके सब के सब उसमें शामिल हो जाएं जिनसे मुतालिक वो बात है, जैसे अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो क्या कोई इसे कह सकता है इससे मुराद कुछ इंसान हैं, कुछ जिन्नात हैं या सब सब हैं या कुछ हैं? सब हैं। हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है, इससे मुराद कौन है? सब हैं। जिसमें जान है, जाहिर बात है जिसमें जान है वही बेजान होगा। या इसी तरह से नेक लोग जन्नत में नेमतों में होंगे, कौन से नेक लोग? सब सब नेक लोग होंगे। हदीस में है मम्मा था ला युश्रिकु बिल्लाही शैअन दखल अल जन्नत, जो इस हाल में मरे कि वो अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करता था वो जन्नत में जाएगा। इसमें किसी ख़ास मुल्क के लोग हैं? अरब का है, चीन का, जापान का है, 15वीं सदी का है, पहली सदी का है, सहाबा के दौर का है, ऐसा है कोई? या 15 लोग ही जाएंगे ऐसे बोलने वाले, 313 लोग जाएंगे, 1000 जाएंगे, ऐसा कुछ है? तो जो भी बोलेगा वो सब के सब क्या होंगे? जन्नत में जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो कोई बात जब बोली जाती है तो उसमें अगर उस कैटेगरी के सब लोगों के लिए बोली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? ये आम है, ये सब के लिए है। तो कोई हुक्म अल्लाह का जब आता है तो आम तौर से जनरली कायदा ये है कि वो सब के लिए होता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन नास उबुदू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो। तो यहाँ लोगों से मुराद अरब के लोग हैं ना? तो जब इस तरह की बात होती कि जिसमें सब आते, अन्नास से मुराद लोग, लोग से मुराद कौन? सब लोग। समझ में आया? तो ऐसा जो जुमला होता है उसको क्या कहा जाता है कि इस आयत में हुक्म क्या है? आम है, यानी सबके लिए है। ये नहीं कहा जाएगा अरबों के लिए है, ये नहीं कहा जाएगा कि उस ज़माने के लोगों के लिए। तो क़ुरान के अहकाम क्या होते हैं? आम होते हैं, इल्ला ये कि उसमें कोई बताया जाए ये ख़ास है किसी के। जैसे चार निकाह किसके लिए हैं? कोई भी कर सकता है, कोई भी मर्द चार निकाह कर सकता है। चार से ज़्यादा कर सकता है? अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? खालिसतल्लका मिन दूनिल मुमिनीन, ए नबी ये आपके लिए क्या है? ख़ास है, मुमिनीन के लिए नहीं। तो एक हुक्म वो होता है जो आम हो और दूसरा हुक्म वो होता है जो ख़ास हो, किसी शख्स के लिए, कुछ लोगों के लिए, किसी ख़ास तबके के लिए, मर्द के लिए या औरत के लिए। समझ में आ रहा है? कुछ चीज़ें मर्द के लिए ख़ास होंगी, कुछ चीज़ें औरत के लिए क्या होंगी? ख़ास होंगी। तो बाज़ अहकाम आम होते हैं और बाज़ अहकाम क्या होते हैं? ख़ास होते हैं। उसका खिताब मर्दों से होता है, कभी औरतों से होता है, किसी ख़ास तबके से होता है, किसी एक शख्स से भी हो सकता है, किसी एक शख्स से भी हो सकता है। तो ऐसी दलील जिसमें उमूम हो
बताया नहीं गया हो कि किसी के लिए ख़ास है, वो क्या होता है? आम होता है। इल्ला ये कि कोई ऐसी दलील मिले जिसमें बताया गया हो कि ये सब के लिए नहीं है, ये फलां के लिए है। समझ में आ रहा है? तो उसको क्या कहेंगे हम? ख़ास कहेंगे। जैसे मिसाल मैंने क्या दी कि चार से ज़्यादा निकाह किसके लिए हैं? मिसाल के तौर पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के बाद एक रोज़े रखते थे, सहाबा ने भी रखना शुरू किया। आपने क्या कहा? लस्तु कहई अतिकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। इन्नमा युत्इमुनी रब्बी व यस्कीन, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है। तो मालूम हुआ कि इसमें क्या हो गया, नबी का मामला अलग हो गया, दूसरों का अलग हो गया। तो सौ में विसाल जिसको कहा जाता है कि बग़ैर सहरी और इफ्तार के लगातार एक से ज़्यादा रोज़े रखना, ये कौन रखता था? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब सहाबा को आपने देखा, आपने कहा मैं तुम्हारी यानी मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, लस्तु कहे अतिकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मुझे मेरा रब खिलाता पिलाता है। या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे सोए और उठे और आपने वैसी नमाज पढ़ी, हज़रत आयशा ने पूछा आप सोते हैं और उसके बाद नमाज भी पढ़ लेते हैं? आपने कहा हाँ, मेरी आँख सोती है लेकिन मेरा दिल जागता रहता है। तो ये किसके लिए है? तो आपने अपने आप को दूसरों से क्या किया, यहाँ अलग किया। समझ में आ रहा है? या इसी तरह से सदकात बाकी मुसलमानों के लिए क्या हैं लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, आपके लिए सदका लेना जायज़ था? तो इस तरह से बाज़ अहकाम आम होते हैं, अल्लाह की तरफ से जब एक हुक्म आता है तो वो आम होता है, उसमें सब शामिल होते हैं। उसके लिए अल्फाज होते हैं, उन अल्फाज से समझ में आता है कि क्या है, सबके लिए है। चाहे वो इंसानों का मामला हो, चाहे इंसानों के साथ जिन्नात उसमें शामिल हों, फिर कभी मर्दों के लिए पूरा हुक्म होता है, कभी औरतों के लिए हुक्म होता है। इस तरह से किसी एक जिन्स के लिए, किसी एक कैटेगरी के लिए वो पूरा होता है। तो ऐसी इसके लिए क्या कहा जाता है, ये क्या है, हुक्म आम है। लेकिन कभी किसी ख़ास के लिए होता है, किसी शख्स के लिए, फ़र्द के लिए या किसी मखसूस आदत के लिए होता है, उसको क्या कहते हैं, वो हुक्म क्या है, ख़ास है। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल अबरार लफी नईम, अबरार नेमतों में होंगे जन्नत की। तो यहाँ पर कौन से अबरार मुराद है, अरब के या हिंदुस्तान के? जो भी अबरार में से हो। तो आम उसको कहते हैं जिसमें उस कैटेगरी के सब आ जाते हैं। याद रहेगा, किसी कैटेगरी के उस पस मंज़र में जिनके बारे में बोला जा रहा है उनमें से ये बाज़ को लेकर बाज़ को छोड़ना उसमें नहीं होता है, बल्कि सब होते हैं। जैसे हम कहते हैं वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो यहाँ पर हमने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, अल मुरसलीन और अल्हम्द। सलाम हो किस पर? मुरसलीन पर। तो कितने रसूलों पर सलाम है इसमें? तो आपने कैसे समझा इसको? अल आ रहा है इसमें, रसूलों पर। जब अल्लाह ने इसकी गिनती नहीं बताई कि कितने रसूलों पर सलाम और कौन से ज़माने के और फलां इब्न फलां इब्न फलां, अल्लाह ने जब उसकी तायीन नहीं की, जब उसके बारे में बताया नहीं गया कौन कौन उनमें से, तो क्या माना जाएगा? सब पर है, ये सब के लिए है। समझा कि रसूलों पर सलाम यानी किस पर सलाम? सारे रसूलों पर। और हम्द अल्लाह के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, वल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो कौन सी हम्द? जो जुमा के दिन की जाए वो, जो नमाज में की जाए वो, जब खाने के बाद की जाए वो, कौन सी हम्द? हर हम्द। समझ में आ रहा है?
تو ال آیا اس میں, المرسلین الحمد, تو ال کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے, دا, جو بھی حمد ہے وہ کیا ہے, اللہ کے لیے, چاہے وہ مرد کرے عورت کرے, صبح کرے شام دوپہر کب کرے, کھانے کے پہلے کھانے کے بعد, نماز میں, عبادات میں, عبادات کے علاوہ کبھی بھی ہو, کوئی بھی حمد ہو, تمام حمد ہو, وہ کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا رب ہے. سمجھ میں آ رہا ہے, اس کو عام کہتے ہیں, اس کو عام کہتے ہیں. تو عام میں اس کیٹیگری کے, چاہے وہ شخص ہو, چاہے وہ عمل ہو, چاہے وہ چیز ہو, وہ سب کا سب کیا آ جاتا ہے. جیسے ہم نے حمد کہا تو حمد کیا ہے, ایک عمل ہے, خاص ہے کیا, عام ہے, عام ہے, لیکن وہ شخص ہے یا عمل ہے. حمد, اللہ کی تعریف بیان کرنا, وہ سب کی سب تعریف بیان کی ہوئی کس کے لیے ہے. اور مرسلین کون ہیں, مرسلون وہ افراد ہیں, انسان ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے, تو تمام رسول اور تمام حمد, ہر حمد, اس کو عام کہتے ہیں, اس کو عام کہتے ہیں. حدیث میں جیسے کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے. عرب میں یا چین میں, جاپان میں, پچھلے زمانے کا, اس زمانے کا, قیامت کے پہلے کا, کب کا, زمان و مکان کے اعتبار سے کل مولود, ہر پیدا ہونے والا. تو اس میں یعنی ہر آدمی کو اس میں لیا جا سکتا ہے, لیا جا سکتا ہے. تو ایسے جتنے معاملات ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, یہ حدیث عام ہے, یہ حدیث عام ہے. تو یعنی کلو کے اندر سب کے سب بچے آتے ہیں, اور اپاہج بچے اس میں آتے ہیں, آتے ہیں, اور مسلمانوں کے بچے غیر مسلموں کے. تو کیوں, کیسے معلوم پڑا آپ کو کلو, تو یہ کلو کیا بتا رہا ہے, عام ہے. یہ سمجھ میں آ رہا, عام سمجھا ابھی, تو اس کیٹیگری, یہاں بڑوں بچوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اچھا, یہاں پر انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے, جانوروں کے بارے میں, تو آپ کلو سے, کلو مولودین, ہر پیدا ہونے والا سے کیا مراد لیا آپ نے, انسان یا جانور؟ کیوں, اسی لیے میں نے کیا کہا, اس کیٹیگری کے جس کے بارے میں بات, اب انہوں نے ہر پیدا ہونے والا ہے نا اس میں, تو اس میں کیا ہو گیا, جانور بھی آئے, کتے, بلی, گدھے, گھوڑے سب آئے. یہ آپ لیں گے مراد اس سے نہیں لیں گے. کیوں, اس لیے کہ بات کس کے بارے میں کہی جا رہی ہے, کیونکہ آگے کا جملہ اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ یعنی یہاں تک کہ اس کے ماں باپ اس کو کیا کرتے ہیں, یہودی, نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں. اگر وہ مسلمان ہوں تو بچہ بھی کیا ہو جاتا ہے. تو یہاں کس کے بچے کے, کون سے بچے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, بکری کے, انسان کے. سمجھ میں آ رہا ہے, یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہو رہا ہے جن کے لیے اسلام اور کفر کا معاملہ ہے, جو مکلف ہیں, یعنی انسان, اور اس میں جن کو بھی آپ ضمناً شامل کر سکتے ہیں. کیوں, اس لیے کہ ان کے لیے بھی اسلام اور کفر کا معاملہ ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. اور خاص کہتے ہیں, عام کے بارے میں جو باتیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں, جیسے مثال کے طور پر اس کی مثال ہے, انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے. یعنی ہر چیز کے لیے اللہ کے ہاں کیا ہے, تقدیر ہے. بارش ہونا, دنیا کا نظام چلنا, انسان کا پیدا ہونا, جانوروں کا, چوپائے, پرندے, کیا تمام چیزیں تقدیر کے تابع ہیں, یا کون سی چیز تقدیر کے باہر ہے؟ ہر چیز. انا کل شیء, شیء ہر چیز, تو ہر چیز ہم نے کیسے پیدا کی ہے, تقدیر سے. اللہ نے اس کا اندازہ کیا, اور اللہ نے اپنے اندازے سے ہر چیز کو ایک ویلیو, جس کو آپ کہیں گے, اس کے لیے ایک عدد, وزن, وقت, اس کے لیے ہر صفت, اللہ نے جس کے لیے جو چاہے صفت دے دی, اللہ نے اپنے حساب سے جو کچھ کرنا تھا کیا,
हर चीज़ उस हिसाब और तकदीर के अंदर है या बाहर है। अल्लाह ने फ़लाँ चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं किया, फ़लाँ चीज़ तकदीर के बाहर है, ऐसा बोल सकते हैं? ये कुफ्र है। हर चीज़ तो मालूम हुआ जहाँ कुल्लू का लफ्ज़ आता है उससे मालूम पड़ता है कि ये बात आम है। कुल्लू से क्या मालूम होता है? आम है। या उसमें यानी मन का जुमला इस्तेमाल हो या इसी तरह से शर्त का जुमला आता हो, जैसे मन अमिला सालिहन फली नफ्सिही, जो कोई नेकी करेगा उस नेकी का फ़ायदा उसी को होगा। तो इससे मुराद मर्द हैं या औरत हैं, अरब है आजम है? तो मन में, मन का जब लफ्ज़ आता है तो उससे क्या मुराद होता है? ये क्या है हुक्म, ये वादा। जैसे कोई कहे हदीस में है या कुरान की आयत में है कि मन अमिला सालिहन फली नफ्सिही, जो कोई नेक अमल करे तो उसका फ़ायदा उसी को होगा। तो कोई ये कह सकता है कि तुम मत करो ये, इसलिए कि तुम्हारे लिए नहीं है, ये अरबों के लिए है, बोल सकता है? किसी दौर के लिए है ये, नहीं बोल सकता है। इसमें हर आदमी आएगा, जो भी आदमी ऐसा करेगा उसके लिए बात है। तो मन में उमूम होता है, जो ख़ुद बता रहा है कि कोई ख़ास आदमी के बारे में बोला जा रहा है, जो कोई जो भी करेगा उसके लिए वादा है। कुछ के लिए वादा है या सबके लिए है? सबके लिए। तो उमूम में सब आ जाते हैं, उमूम में सब आ जाते हैं। या इसी तरह से जिसमें जैसे अन्ना किरा फी सियाक नहीं, उससे भी उमूम मालूम होता है। मसलन यानी मना का जुमला हो और उसमें अल के बग़ैर लफ्ज़ हो, जैसे क़ुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि वअबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन। अब इसको समझिए ज़रा, अरबी में दो तरह के अल्फाज होते हैं, एक अल वाला होता है, एक बग़ैर अल का होता है। हल्का नहीं बोल रहा हूँ मैं, अल का बोल रहा हूँ। जैसे अलिफ लाम मीम नहीं, अलिफ लाम के साथ लफ्ज़ होता है। जैसे हम कहते हैं किताब, और उसको अगर अल लग जाए तो क्या होता है? ठीक है, किताब और अल, किताब में क्या फ़र्क है? अलिफ लाम लगाने से किताब खास हो जाएगी। किताब का मतलब क्या है? अगर अरबी में मैं कहूँ किताबुन तो उसका क्या मतलब होगा? कोई किताब या एक किताब? एक किताब, उससे कोई ख़ास किताब मुराद है। और मैं कहूँ अल किताब, जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं द बुक, तो उससे क्या मुराद है? ख़ास का मतलब, यानी ख़ास किताब का मतलब, यानी क्या? पर्टिकुलर का मतलब क्या? जिसका जिक्र किया जाए, और नहीं किया तो उसको कैसे आप डिफाइन करोगे? जिसके बारे में अल जब लगता है या द इंग्लिश में लगता है, उसका कायदा क्या है? और द का कायदा क्या है? अ बुक और द बुक का क्या कायदा है? तो डेफिनेट का क्या मतलब है? देखिए, एक लफ्ज़ से आप एक लफ्ज़ को समझा रहे, आप बयान करो ना उसको, क्या ऐसा होता है तो वैसा। आप घर में ऐसी बात करेंगे? अ का द रहता, द का रहता, हाँ, जिसकी तरफ इशारा, उसको यूँ कहा जाता है कि देखिए समझिए इसको, अ बुक जब कहा जाए एक किताब, तो बोलने वाला जो बोल रहा है, सुनने वाला उसको नहीं समझता है कि कौन, तो सुनने वाले के जहन में वो मुतायन नहीं होता है,
वो तय नहीं होता है कौन। एक आदमी ने मुझसे ऐसा कहा तो क्या सुनने वाला जानता है कौन है वो? लेकिन जब आदमी कहे उस आदमी ने मुझसे ऐसा कहा, तो यहाँ ये होता है कि सुनने वाला उसको जानता है, चाहे बेआइन ही जानता हो या उसका पहले तज़किरा होने की वजह से जानता है। समझ में आया? जैसे कोई आदमी बोले, मैंने बताया ना पिछले हफ्ते एक आदमी मुझको मिला था, उस आदमी ने आज भी मुझको फ़ोन किया था। दो जुमले, पिछले हफ्ते एक आदमी ने मुझको जो फ़ोन किया था, इस हफ्ते उस आदमी ने मुझको फिर फ़ोन किया। तो एक पहले जुमले में आया और दूसरे जुमले में फिर क्या हो गई, उसकी तायीन हो गई। तो पहली मर्तबा जब तस्किरा आदमी करता है तो अ बोलता है, फिर जब उसका तस्किरा करता है तो सुनने वाला उसको जान रहा होता है, चाहे ना जानता हो, उसे जहन में जान रहा है उसको। अब लेकिन उसका तस्किरा चूंकि आ गया है, अब उसको अ नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा? द। जैसे मैं एक आदमी से मिला, उस आदमी का नाम जैद था, तो पहली मर्तबा में एक आएगा, दूसरी मर्तबा में मैं एक आदमी से मिला, एक आदमी का नाम जैद था, ऐसा बोलेंगे आप? दूसरी मर्तबा में क्या कहा आपने? उस आदमी। अब आपने उस क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि आप पहले जुमले की तरफ क्या कर रहे हो, उसका इशारा कर रहे हैं आप। समझ में आया? तो पहली मर्तबा तज़किरा छिड़ गया, सुनने वाला आप जान रहा है किसी के बारे में बात हो रही है, नेक्स्ट जुमले में उसी की बात हो रही की वजह से वो क्या हो गया, आप द हो गया। समझ रहा? अभी ग्रामर इंशाल्लाह फ्यूचर में हम कभी करेंगे तफसील से, अभी नहीं। तो जब किताब होता है तो वो एक किताब होता है, कौन सी किताब मालूम नहीं, और जब अल किताब आता है तो ये उस वक्त आता है जब सुनने वाला जान रहा होता है कि किसी मखसूस किताब के बारे में बात हो रही है, चाहे उसने उसको ना देखा। जैसे आदमी कहे मैंने एक किताब पढ़ी, किताब बहुत अच्छी थी, तो दूसरा जुमला क्या है उसमें? एक किताब नहीं बोला, मैंने एक किताब पढ़ी, एक किताब बहुत अच्छी थी, ऐसा बोलना सही होगा? अगली मर्तबा में एक बोलना सही होगा, तो अब अल लगाना पड़ेगा उसको। या जैसे हम कहें कि कोई आदमी आया था, वो आदमी आपके बारे में पूछ रहा था, सही है? कोई आदमी आया था, कोई आदमी आपके बारे में पूछ रहा था, ये सही है? नहीं है। तो आप पहली मर्तबा में आपने क्या इस्तेमाल किया? कोई। दूसरी मर्तबा में वो, तो क्या ये उसको जानता है? अभी भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसके लिए क्या इस्तेमाल हुआ? वो कौन? कोई। समझा? तो जुमले ही में मारिफत उसकी है, लेकिन फिर भी उसी की तरफ इशारा है जो जहन में है उसके, चाहे मुशाहदे में ना हो, चाहे तारुफ उसको, लेकिन इतना भी तारुफ अगर हो जाए तो मारिफा हो जाता है। समझ में आया? इसको कहते हैं अल, ये अरबी का अल है। तो अन्नकिरा फी सियाकिन नफी, इसको कहते हैं नकिरा, कॉमन नाउन, और ये क्या है? प्रॉपर नाउन या डेफिनेट, इसको आप कहेंगे कि ये मुतायिन है। तो एक या कोई जब ना के जुमले में आए, कुछ लोग बेचारे परेशान हो गए, क्या है ये दरस रहे कि बरस रहे हमारे ऊपर, लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप कुछ लोगों को महसूस हो रहा होगा वाकई ये चीज़ हमने कभी ज़िंदगी में देखी या सुनी नहीं। अन्ना किराह फी सियाकी नफी का क्या मतलब है? आप उसको दिन में कई मर्तबा इस पर से गुजरते हो, जैसे अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आप यहाँ पर इलाह का जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हो वो मारिफा है या नकीरा है? अल के साथ है या बगैर अल के साथ है? अल के साथ है, अल के साथ भी है लेकिन नहीं है अल के साथ। इलाह
ये अल के साथ नहीं माना जाता है। अल इलाह अगर हो ये क्या हो गया, अल के साथ आया। तो ये लफ्ज असल में है इलाह, इलाह का मतलब क्या होता है, माबूद, कोई माबूद, कोई खास माबूद का इशारा नहीं, कोई माबूद। और अल इलाह वो माबूद, इसमें बोलने वाला सुनने वाला दोनों जान रहे किसी किस माबूद के बारे में बात हो रही है। अगर ला का जुमला बगैर अल का हो उससे भी आम मुराद होता है, उससे भी सब, जैसे अल्लाह ने क्या फरमाया, वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, और कोई इलाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो यहाँ पर किस किस माबूद की का इनकार हो रहा है, पेड़ वाले माबूद, पत्थर वाले, लकड़ी वाले, कब्र वाले, तो किस माबूद का इनकार है कि कोई माबूद नहीं है, माबूद बनने का हकदार नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो किन माबूदों का इनकार है, तो कैसे मालूम पड़ा, ये अरबी का कायदा है, क्योंकि यहाँ पर अल के बगैर लफ्ज आया, इलाह अल के बगैर है, और जुमला नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ला इलाह इल्लल्लाह। तो नेगेटिव जुमले में अगर अल के बगैर हो तो उसमें क्या होता है, सब के लिए होता है वो, समझ में आया। जैसे दूसरा जुमला, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन, वअबुदुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअ। अरबी ज़बान में शै कैसे लिखते हैं, शीन या शैउन, ठीक है, और उसको अल लग सकता है क्या, नहीं लग सकता है, चीज़ को अल लग सकता क्या, नहीं ना, पढ़े बगैर बोल रहे, अशै लग सकता है चीज़ को, और द लग सकता क्या, नहीं, फिर अल क्यों नहीं लगी, जैसा पूछ वैसे बोल रही को, आप पूछते रहो हम बोलते रहते, नुकसान कुछ है नहीं, कोई डॉलर और तो जा रहे नहीं अपने, बोल सकते हैं, कोई मसला नहीं। शै और अशै, अब यहाँ पर आप देखेंगे वअबुदुल्लाह जुमला क्या मतलब है, वअबुदु और इबादत करो किसकी, वह का मतलब और, ला नहीं, तुशरिकु शिर्क करो, बिही उसके साथ, शैअन अल के साथ है बगैर अल के, अल के बगैर है कि अल के साथ है। वअबुदुल्लाह ये जुमला तो पॉजिटिव है, अल्लाह की इबादत करो, ये जुमला पॉजिटिव है नेगेटिव है, मनफी जुमला है, नफी का जुमला है। और न करो शिर्क शरीक उसके साथ किसी चीज़ को या उस चीज़ को, तो उस चीज़ होता तो क्या होता, उसके साथ मामला होता, बाकी कर सकते ये इसको मत करो, है ना, उसके साथ नबी को शरीक मत करो, तो गैर नबी के लिए सवाल खड़ा हो जाता, अल्लाह ने क्या किसी चीज़ को, तो इसमें जिंदे आए या मुर्दे। देखिए कुरान का कमाल है, जब अरबी वाकई समझ में आने लगती है तो फिर 14 तबक रोशन हो जाते हैं, वाकई लगता है कि कुरान का जो यानी मौजज़ा है इसको जो है ये क्यों है, इसमें सबकी नफी है, इसमें जिंदा मुर्दा बेजान हयात वाले जानदार सब की, किसी किसी चीज़ को उसके साथ शरीक मत करो। तो अल्लाह को हर चीज़ का नाम बताने की ज़रूरत है, इसको मत करो, उसको मत करो, उसको मत करो, एक जुमले में काम तमाम, तो सब की नफी आ जाती। तो ये भी क्या है, अगरचा जुमला क्या है नेगेटिव है, लेकिन उससे क्या फ़ायदा हो रहा है, उसमें क्या है उमूम है, क्या कहा जाता है जुमले में,
उमूम है, और ये हुक्म क्या है? आम है। बोलते हैं इजलास आम। इजलास आम का क्या मतलब है? सभी आ सकते हैं उसमें, समझ में आया? तो जिसमें सभी की पॉसिबिलिटी होती है उसको क्या कहते हैं? आम। आम दावत है, बोलते ना सब घर दावत, आम दावत। यानी इसका मतलब क्या है? सब आ सकते हैं उसमें, बाज आ सकते हैं बाज नहीं आ सकते, ऐसा नहीं होता है उस कैटेगरी के। हाँ, अब जानवर भी आ रहे उसमें तो इंसानों के लिए दावत है, तो उस कैटेगरी के सब उसमें आ जाते हैं, तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं? आम। और कहते हैं इसमें क्या है? उमूम है, इसमें उमूम है। तो ये समझ में आया? तो ये मालूम हुआ कि एक तो ये कि जिसमें कुल आए, कुल, या इसी तरह से मन आए, जो कोई, या जिसमें अल्लज़ी आए, अल्लज़ीना जैसा भी उसके बाद कुछ भी हो, या अल्लज़ी, वो जो ऐसा करे उसके लिए ये है, तो इसमें भी क्या होता है? उमूम होता है कि जो कोई ऐसा करे, ये मतलब है उसमें। या इसी तरह से यानी नेगेटिव जुमला हो और उसमें क्या हो? द के बग़ैर हो, यानी अल के बग़ैर हो, तो वो भी क्या होता है? आम होता है। या इसी तरह से शर्तिया जुमला हो, अगर ऐसा हो तो इसका इसके भी ये भी क्या होता है? इसमें भी शर्तिया जुमला, उससे भी क्या मालूम होता है? अगर शर्त रखी जाए, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये होगा, तो शर्तिया जुमले में भी उमूम होता है। ये सब के लिए वादा होता है, सब के लिए हुक्म होता है। जैसे अल्लाह ने फरमाया इन तुबदु शैअन औ तुख्फूहु फइन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अगर तुम किसी चीज़ को जाहिर करो या उसको छुपाओ तो अल्लाह ताला तो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो इसमें क्या है? हर चीज़ का जिक्र है। और अगर तुम छुपाओ जाहिर करो, अल्लाह ने किसी चीज़ को कहा इन तुबदु शैअन, किसी चीज़ को तुम छुपाओ अगर, या मन इलाहुन गैरुल्लाह अतीकुम बिदियाइन, यहाँ इस्तिफहाम कभी होता है, सवाल के अंदाज में भी होता है कौन है ऐसा, तो उसमें भी क्या होता है? जवाब के तौर पर कोई भी नहीं है। तो सब की नफ़ी है या कुछ की नफ़ी है, समझ में आया? जैसे अल्लाह ने फरमाया कि हल तालम लहु समिया, क्या उसका कोई तो हम नाम जानता है, यानी उसके बराबरी का कोई जानता है, इस्तिफहाम है। इसमें किसकी नफ़ी है? अल्लाह का, अल्लाह के बराबर होने के एतबार से किसकी नफ़ी है, किसका इनकार है? बाज लोग हैं बाज हैं नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? तू किसी को उसके बराबर जानता है? नहीं जानता है। किसका इनकार हो रहा है इसमें? सबका। अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के नाम वाला कोई नहीं, अल्लाह की यानी बराबरी का कोई नहीं, तो इसको कहते हैं आम। समझ में आया? तो मैं समझता हूँ इतना काफ़ी आज के लिए, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ख़ास के बारे में हम तफसील से अगले दर्स में देखेंगे। आम समझा? इसमें किसी को कोई सवाल है आम के बारे में, जाम के बारे में नहीं? किसी का कोई सवाल है? क्या पूछना, वही समझ में नहीं आ रहा। सब दाखिल होते हैं उसमें, क्योंकि जो मुरसलीन के लिए वादा होता है वो अंबिया के लिए भी होता है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, हाँ हाँ, शर्तिया जुमला है, लाजिम नहीं है कि शर्तिया जुमला आम हो। हाँ, उस जिन्स के एतबार से आम हो सकता है, कभी खिताब मर्दों के लिए, कभी औरतों के लिए, कभी किसी, कभी कुफार के लिए हो सकता है। तो एक एतबार से कहा जा सकता है कि असल में जुमला आम होता है, यानी हम कह सकते हैं असलन बात आम होती है, अगर उसमें किसी से खिताब ख़ास तौर से ना हो तो वो किससे होता है? यहाँ पर अल्लाह ने कहा तुम मुझको याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तो ये क्या है? सब के लिए आम है। सूरे लहब के लिए, हाँ हाँ
हाँ तो ये उसमें तख़सीस है उसके लिए, लेकिन देखिए तख़सीस इस एतबार से नहीं है कि वो किसी और के लिए उसमें यानी बुराई नहीं है। क़ुरान करीम में जो वाक़यात बयान हुए हैं वो इसलिए नहीं है कि इसके साथ ऐसा हुआ तो वो उसी के साथ ख़ास है। वो बयान क्यों किया फिर अल्लाह ने, क्यों बयान किया? ऐसा करने वाले का ऐसा होता है, अगर वाकई उसके नक्श कदम पर कोई चले तो अल्लाह ताला उसके साथ भी, तो वो इबरत होती है। तो उसवा जिसे आपने फरमाया कि जो यानी कत्ल करने वाले का जो मामला बताया आपने काबिल का, तो क्यों बताया हमको? इसलिए बताया कि कोई आदमी अगर कोई गुनाह करता है और वो लोगों में आम होता है, लोग उसकी इक्तिदा करते हैं, तो बाद वाले का गुनाह भी, तो ये उसके साथ ख़ास नहीं है। अगरचा वाकया उसके साथ ख़ास है, कत्ल का पहला कत्ल करना उसके साथ ख़ास है, लेकिन इबरत के एतबार से वो ख़ास है। आज अगर कोई आदमी कोई गुनाह ईजाद करता है तो उसके मामले में कहा जा सकता है कि वो बाद वालों का गुनाह उस पर होगा, तो वो उसवा के एतबार से होता है, उसवा अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो क़ुरान में जो मज़म्मत आई है, हम इंशाल्लाह क़ुरान के जो उसूल या क़ुरान के बारे में तफसीर देखेंगे, तफसीर उसमें ये चीज़ें सब आएंगी कि क़ुरान में अगर किसी की बुराई आती है तो मकसूद ये नहीं होता कि बस उसको बुरा कह के हम छोड़ दें। वो क्यों होती है? वो हमारे लिए नसीहत होती है। अल्लाह ने फरमाया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। तो यहाँ पर बुराई है, मुज़म्मत है, तो इस एतबार से वो उसके लिए है, ये ख़ास है, लेकिन इस एतबार से ख़ास नहीं है कि वो किसी और को नहीं होगा वैसा। अल्लाह ताला किसी और को भी इसी तरह से बर्बाद कर सकता है, किसी और को भी वो सज़ा दे सकता है अगर वो उसी के नक्शे कदम पर चले। ये अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जिसको चाहे माफ़ कर, जिसको चाहे सज़ा दे। तो इतना आज के लिए काफ़ी है, इंशाल्लाह अगले दर्स में हम इससे आगे